हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर उमेश कुमार सैन जी, जो कि जनरल फिजिशियन है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। ये बताइए सर, डायरिया होता क्या है? देखिए, डायरिया बेसिकली क्या है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम मैक्सिमम जो लोगों में हो रहा है, जैसे कि अभी वेदर का चेंज होना, जैसे मैक्सिमम जो डायरिया होता है वो बारिश के बाद होता है, जिसमें कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के आ जाने से होता है। नॉर्मल डायरिया क्या रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा किसी को लूज मोशन हो, जैसे 5 to 6 टाइम्स हो, उसको डायरिया श्रेणी में आता है। इसमें क्या रहता है कि डायरिया किन कारण से हो रहा है, पेशेंट का लुक लाइक कैसा हो जाता है, वो सब इसमें देखना पड़ता है। पहला क्या है कि डायरिया किस कारण से हो रहा है, पहले अपन उसके कॉज देखना पड़ेंगे। नॉर्मल लूज मोशन जैसे 2-3 टाइम्स हो रहा, ठीक है, लेकिन जब प्रोलॉन्ग टाइम तक 5 to 6-8 टाइम तक भी अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, साथ में उसमें बहुत सीवियर एकदम वाटरी हो रहा है, और साथ में अगर किसी पर्सन का वोमिटिंग भी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम डायरिया ही रहा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने किसी भी इन्फेक्टेड, जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट, बारिश के बाद मैक्सिमम लोगों में होता है, बारिश जैसे ही ख़त्म होती है या फिर स्टार्टिंग में ही लोगों को कंटामिनेटेड फूड वाटर इन सब चीज़ों से स्टार्ट होता है। इसमें क्या है कि पेशेंट जो बहुत ही सफ़र करता है, इसमें जैसे कि मरीज का बीपी कम हो जाना, पूरी बॉडी की त्वचा एकदम सूखी, जिसको सूखी होना, टन ड्राई हो जाना, और मेनली अगर देखा जाए अपनी रेगुलेटरी हेल्थ, सबसे ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। जब शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाने के कारण एकदम पेशेंट अस्वस्थ रहता है, श्रिंकन साइज होते हैं, आँखों के नीचे घेरे जाते हैं, इन सब कारणों से वो रहता है। डायरिया में क्या रहता है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस का रहता है, जैसे अपने शरीर में जब लूज मोशन बार बार होते रहते हैं तो उसके कारण क्या रहता है, अपने शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम पोटेशियम, वो भी निकल जाते हैं, जिससे कि पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, बहुत ही सीवियर डिहाइड्रेशन। कभी कभी ऐसे डायरिया का सीवियर डिहाइड्रेशन कारण किडनी पे भी असर पड़ता है, और कभी कभी मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा मरीज को अगर जैसे सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइज कराते हैं, अगर घर पे भी है तो सबसे ज़्यादा पानी पिलाते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी पिलाते हैं मरीज को। साथ में उसमें बीपी चेक करते हैं कि मरीज का कितना ब्लड प्रेशर है, और प्रॉपर रूप से कितनी बार लूज मोशन हुआ, उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। अगर घरेलू उपचार की बात करें इसमें डिहाइड्रेशन, और मैं तो सबसे पहले नमक और शक्कर का पानी मिलाते हैं, मरीज को 4 से 5-6 बॉटल पानी पिलाने की सलाह देते हैं, दही चावल केले जो प्रीबायोटिक रहते हैं वो खिलाने की एडवाइस देते हैं मरीज को, और साथ में बाहर का जो भी कंटेनमेंट, जैसे कि पानी पूरी और जो तली हुई चीज़ें जो मार्केट में होती हैं, इनसे सबसे ज़्यादा समोसे कचौड़ी, इन सबसे ज़्यादा मतलब मरीज को वो हो जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है कि मरीज की आंतों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, या बहुत ही ज़्यादा गैस्ट्राइटिस, इन सब चीज़ों की वजह से मरीज में बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अगर इसका सबसे देखा जाए तो रूरल अर्बन दोनों में बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं, लेकिन क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा कम मात्रा में रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ज़्यादा, क्योंकि जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा सा लोअर साइड रहता है। इसमें पेशेंट ये प्रॉपर नहीं डिसाइड कर पाता है कि अपने लिए कहाँ कैसे कब ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी वो चल रहे हैं। और अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो WHO के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रोलाइट जो ग्लूकोज बोलते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, उसको भी पिलाया जाता है, उसको बहुत ही जल्दी, और सबसे ज़्यादा बच्चों में और ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा डायरिया देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चों में क्या रहता है, कुछ भी बाहर का कुछ खाने से, जैसे कंटामिनेटेड फूड खा लिया, या फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं मिट्टी वगैरह, इन सब से हो जाता है, इससे कारण सबसे ज़्यादा डायरिया देखने को मिलता है। इसमें पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और साथ में मरीज को जो है ना एकदम सीवियरिटी वीकनेस आ जाती है। सर, इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत अगर आप मेडिसिनल में बता पाए। मेडिसिनल में क्या है कि एक्चुअली अगर प्रिवेंशन, इसमें सबसे बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, इसमें आप जितना ही बचाव करेंगे वो सबसे ज़्यादा रोकथाम। इसमें सबसे अच्छा है आप मरीज को पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, जितना ज़्यादा आप पानी पिलाएंगे। मेडिसिनल अपनी जगह एक्ट है, मेडिसिनल कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी जो है वो एकदम से एक्ट नहीं करती, उसके लिए 5 to 6 आवर्स कोई भी एंटीबायोटिक्स कोई भी उसके लिए चाहिए। सबसे अच्छा है कि अगर मरीज को डायरिया हो रहा है तो आप उसको पानी जितना बार वो जा रहा है, मतलब जितना उसका आउटपुट है आपको उससे डबल इनपुट देना पड़ेगा। जैसे वो एक बार जा रहा है तो आपको 200, जैसे 100 ml के लगभग
ये है कि आपको वर्ली फ्लूड तो देना ही पड़ेगा उसमें मेडिसिन के, आप उसको दही चावल खिचड़ी हल्का सॉफ्ट डाइट ये सब चीज़ें उसको खिलवाएं। जैसे क्या, जैसे कि अभी आने वाले बारिश के मौसम में क्या है कि इन सब के मरीज सबसे ज़्यादा अधिकतर इसी चीज़ के अपने लिए देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके दौरान भी एक महामारी बीमारी फीवर जो सब इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं जी। सर इसके लिए बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं अपन पहले से कि डायरिया ना हो? देखिए बचाव के लिए जो अपने सराउंडिंग में पहली बात तो यह है कि जो सराउंडिंग में जैसे कि आप किसी फूड या किसी की दुकान पर जाएं तो वहाँ पर देखें मक्खी या कितनी ज़्यादा मतलब वो है उसके लिए जो कवर्ड करने वाला अपने आसपास में जो भी है मल मूत्र जो कर रहे हैं नाली हैं उनके आसपास गंदगी ना रखें और कोशिश करें जितनी बार भी आप बताएं हाइजीन मेंटेन सबसे ज़्यादा रहता है। जब भी बाहर से आए तो हाथ हैंड वॉश करें, इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाए तो अपन किसी भी हद तक और किसी भी लूज मोशन या किसी को भी अपन उसको अभी प्रिवेंटली इतने छोटे में या उतने हल्के में ना लें कि हाँ ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको डिले करेंगे तो आपकी निगलिजेंसी में आते हैं, तो यही निगलिजेंसी आपको सीवियरिटी की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू सो मच सर।